श्वाइन से बोलते हैं, तो वो इतनी हाई होती हैं वैसे आँख भी नहीं खोल सकते। खैर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वीडियो तो नहीं बना सकते, अलाउ नहीं है किसी सूरत में, लेकिन पिक्चर की रिक्वेस्ट की थी मैंने, तो मैंने पिक्चर बनाई। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं? सब खैरियत है? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आगाज़ करते हैं एक न्यू ब्लॉग का। तो अभी मैं फ्रेंड्स जा रहा हूँ हॉस्पिटल में, जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैंने चेकअप कराया था तो थोड़ा सा किडनी में प्रॉब्लम आया था, तो अभी उसके लिए ना एक दो टेस्ट लिख के दिए थे डॉक्टर ने, तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं मेरे हाथ में और कुछ अभी करवानी हैं। तो अभी मैं ड्यूटी से आया था, काम फिनिश किया, अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, तो इंशाल्लाह वहाँ चल के फिर आपको दिखाता हूँ वहाँ क्या सीन होता है, क्या टेस्ट होते हैं, क्या चलता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल बदरुसमा बरका में। ये फ्रेंड्स मैं बरका पहुँच गया हूँ, ये बदरुसमा हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, पास में उसके नेस्तो मार्केट हाइपर मार्केट है। ये भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इसमें छोटी मोटी मार्केट्स बनी हुई हैं, तो अंदर चलते हैं अभी। एक्चुअली कल मैंने ना लिया था टोकन वगैरह और डॉक्टर ने लिख के दे दिए थे मेरे को टेस्ट, लेकिन टाइम काफ़ी हो गया था, रात 9 बजे बंद हो जाता है, तो डॉक्टर वगैरह स्टाफ सब चला गया था, तो मैंने सोचा फिर कल आते हैं यानी कि आज। तो अभी चलते हैं अंदर। जी फ्रेंड्स ये है जी बदरुसमा हॉस्पिटल, मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, सॉरी फर्स्ट फ्लोर पे, तो कोई रश नहीं है बिल्कुल भी। ये देखें इधर सब खाली हैं। ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो आई थी किडनी की, स्टोन की, अभी एक्चुअली मेरा जो टेस्ट होना है ना वो सिटी क्यूब नाम है उसका, वो थोड़ा कॉस्टली है, तो उसके लिए इंश्योरेंस का जो इनका डिपार्टमेंट है ना उनसे अप्रूवल लेनी है। अच्छा फ्रेंड्स मैं बता रहा था कि जो एक्सपेंसिव जो भी टेस्ट होते हैं या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो उसके लिए जो इंश्योरेंस जिस कंपनी की हुई है हमारी कंपनी की तरफ से, तो उनसे फिर वो अप्रूवल लेते हैं। तो एक्चुअली कल भी अप्रूवल की वजह से लेट हो गया था, नहीं तो कल ही टेस्ट हो जाना था और आज आके रिपोर्ट ले लेनी थी। तो अभी आज अप्रूवल लेंगे, अप्रूवल ले के फिर उसके बाद टेस्ट करवाएंगे आज, और रिपोर्ट जो है वो कल आएगी, और कल ही डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है ली है उससे, और कल ही उसको चेक करवानी है, तो उसके बाद फिर वो देखेगा क्या कंडीशन है, क्या सूरत हाल है, तो फिर वो मेडिसिन देगा इंशाल्लाह। देखते हैं क्या होता है, बेहतरी होगा इंशाल्लाह। जी फ्रेंड्स मैं अभी तक हॉस्पिटल में हूँ, ऑलमोस्ट 2 घंटे से ऊपर हो गया मुझे। एक्चुअली अप्रूवल नहीं आ रही थी, इन्होंने मेल की हुई थी, अभी अप्रूवल आई, जस्ट थोड़ा टाइम हुआ 5 मिनट पहले, तो अभी मैंने टोकन बनवाया है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये था कितना चल रहा है, 17 नंबर चल रहा है, तो 18 मेरा है, ठीक है। ये देखें CT स्कैन यानी CT ट्यूब कोई टेस्ट है मेरा, तो ये CT स्कैन जो है ना रूम है, इधर होगा CT स्कैन, तो देखते हैं, वेटिंग में हूँ अभी, एक नंबर बाकी है।
फ्रेंड्स सीटी स्कैन हो गया है, बहुत इंतज़ार के बाद, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। सीटी स्कैन से पहले उन्होंने बोला कि अभी 10-15 ग्लास पानी पियो तो आपका पेट फुल होना चाहिए और यूरिन जो है उसका प्रेशर फुल प्रेशर होना चाहिए। 15-20 मिनट वो वेट किया, उसके बाद फिर वो जो रूम है उनका स्पेशल इधर मशीन पड़ी है सीटी स्कैन की, वहाँ चले गए। वहाँ तो फिर खैर इतनी वो होती हैं श्वाइन से बोलते हैं, तो वो इतनी हाई होती हैं बस आँख भी नहीं खोल सकते। खैर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वीडियो तो नहीं बना सकते, अलाउ नहीं है किसी सूरत में, लेकिन पिक्चर की रिक्वेस्ट की थी मैंने, तो मैंने पिक्चर बनाई। जी फ्रेंड्स भी निकलते हैं घर के लिए, बल्कि नहीं, उन्होंने बोला है वेट करें, वो कुछ उसकी सी टी स्कैन की कुछ सी डी ऐसा कुछ बोल रहे थे वो देंगे आपको, और जो फुल रिपोर्ट है ना वो कल मिलेगी इस टाइम शाम 5 बजे। तो उसके साथ कल डॉक्टर का भी टाइम है, तो कल डॉक्टर को इंशाल्लाह वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे और कल आके रिपोर्ट भी कलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखना, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।